आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आपको बता दें, दो दिन बाद दीपावली है और उसको लेकर के बाजार कहीं ना कहीं सज चुके हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्य बाजार की, किस तरीके से बाजार में रौनक लौटी है। कोई लक्ष्मी गणेश के जोड़े बेचता है, कोई लक्ष्मी गणेश बेचता है, कोई रुई बेचता है। एचआर न्यूज ने बाजार में घूम करके ये भी हमने जानना चाहा तरीके से बाजार में रौनक है और क्या बाजार की स्थिति है, कोरोना का कितना असर बाजार पर है। साथ ही जैसा आपको मालूम होगा, एचआर न्यूज बार बार आपको दिखा रहा था खबरें, त्योहारों का मौसम है और ऐसे में चार पहिए की एंट्री बाजार में कहीं ना कहीं बाजार को अव्यवस्थित बनाती है। आपको बता दें, एक और बाजार अतिक्रमण से अटा पड़ा है, दूसरा बाजार के अंदर चार पहियों के वाहनों की जो एंट्री है, त्योहार का मजा पूरा किरकिरा किया हुआ है। अगर ग्राहक बाजार में सामान लेने भी आता है तो वो बाजार की हालत देख करके तौबा करने लग जाता है। यही वजह है कि त्योहार पर भी बाजार में ग्राहक आने से कतराता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अतिक्रमणकारियों ने बाजार को इतना अव्यवस्थित बना दिया। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे, किस तरीके से आप बाजार की तस्वीरें देखेंगे जाकर के, तो आपको अचंभा हो जाएगा कि किस तरीके से अतिक्रमणकारियों ने बाजार में अपनी दुकानों के बाहर 15-15 फुट सामान लगा रखा है। लगातार आपको एचआर न्यूज दिखा रहा है किस तरीके से बाजार में अतिक्रमणकारियों ने बाजार को यानी कि अव्यवस्थित बनाया हुआ है। दुकानों के बाहर इतना सामान लगा रखा है कि जितना उनकी दुकान में सामान नहीं होता उससे कहीं ज्यादा वो लोग बाहर सामान लगा देते हैं। और ऐसे में जबकि अब त्योहार का मौसम है, 3 दिन का है, कल धनतेरस है और धनतेरस के बाद छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली, 3 दिन का ये एक पर्व है, यानी कि हमारा सबसे बड़ा पर्व होता है। और इस पर्व पर सबसे ज्यादा खरीदारी होती है, चाहे मिठाइयों की हो, चाहे कैलेंडर की हो, चाहे अन्य सामानों की हो। और ऐसा आपको बता दें, रेवाड़ी के हर बाजार में रौनक आई है, लेकिन कोरोना के चलते काम बिल्कुल मंदा है। बाजार में जाकर के देखा किस तरीके से छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चे भी लक्ष्मी गणेश का जोड़ा बेच रहे हैं बाजार के अंदर। कोई कैलेंडर लगा के बैठा है, कोई अपनी अम्मा के साथ बैठा है, कोई 70 साल की बुजुर्ग महिला कैलेंडर बेच रही है, यानी कि रोटी रोजी के लिए त्योहार पर हर आदमी घर से निकला है। किसी तरीके से उसके दीपक बिक जाए, उसका कैलेंडर बिक जाए, उसकी रुई बिक जाए, उसका कैलेंडर बिक जाए, तो यानी कि सब तरीके के लोग बाजार के अंदर आए हुए हैं और उनको जगह प्रशासन को मुहैया करानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। फंड लगाने वाले लोगों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि वो 3 दिन के लिए अपनी फंड का किराया 5-5, 5.5-5.5 हजार रुपए दे रहे हैं, महज 3 दिन के लिए। अब आप समझ सकते हैं, अगर कोई किसी शोरूम के बाहर, किसी दुकान के बाहर तख्त लगा के दीपावली पर सामान बेचता है, तो उससे पहले तो उस दुकानदार को उसको 5-7 हजार रुपए 3 दिन के लिए देने पड़ेंगे। जबकि जो बाजार के लोग हैं, कई व्यापारी हैं, उनका ये कहना कि उन्होंने नगर परिषद को पहले ही चेताया था कि कोरोना काल है और ऐसे में सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना है, तो क्यों ना नगर परिषद बाजार को व्यवस्थित बनाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। और जैसे तैसे करके जो लोग दीपावली के मौके पर बाजार में आते हैं छोटा छोटा अपना सामान बेचने के लिए कि त्योहार पर 2 पैसे कमा करके रोटी रोजी उनकी बन जाए और वो भी अपना दीपावली का पर्व मना ले, तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं बाजार के अंदर, कैसी उनकी स्थिति है उन्हीं की जुबानी भी हम सुनाएंगे। लेकिन यह सवाल खड़ा होता है, व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी, प्रशासन की। क्या प्रशासन अपनी इस जिम्मेदारी को निभा पा रहा है? बाजार में बेदस्तूर चार पहिए की गाड़ियों की एंट्री है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे बाजार से, किस तरीके से गली मोहल्ले में से, गली कुचों में से निकल के चार पहिए की गाड़ी बाजार में आ जाती है। हालांकि कुछ मुख्य जगहों पर बैरिकेड लगाए भी हैं प्रशासन ने, अपनी ओर से प्रयास भी किए हैं पुलिस प्रशासन ने, लेकिन सब चीजें कहीं ना कहीं जो चार पहिए की गाड़ी वाले हैं या जो अपने आप को सानों सोकर समझते हैं, जिनका मकसद सिर्फ बाजार में गाड़ी की एंट्री कराना है और ये दिखाना है कि उनके पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो लोग किस तरीके से बाजार को अव्यवस्थित कर रहे हैं। दूसरा, अतिक्रमणकारी किस तरीके से बाजार को अव्यवस्थित करते हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं पिछले कई दिनों से कि बाजार की क्या स्थिति है, आखिर प्रशासन कब इन सबको गंभीरता से लेगा। अब हम आपको बाजार में जो लोग दुकान लगा के बैठे हैं छोटे छोटे या जो मंझोले दुकानदार है, किस तरीके से क्या क्या उनकी प्रतिक्रिया है दीपावली को लेकर के वो सुनाते हैं। अच्छा, कितने पैसे दिए तुमने ये लगाने के? 5-5.5 हजार। कितने दिन लगाओगे? 4 महीने।
यानी कि रोज के 5,000 रुपए या 3 दिन के? 3-4 दिन के इकट्ठे। अच्छा इकट्ठे है 5,000 रुपए। क्या बेच रहे हो, क्या बात है? क्या बात, पढ़ता तू? कौन सी क्लास में पढ़ता है? कुछ नहीं है, कम आई पहले जैसे। क्यों, क्या हो गया? लो, काम बहुत कम है। कितने दिन से कर रहे हो? ज्यादा है, अभी 2-3 दिन से करा। मतलब कितने दिनों में लगाते हुए? आज ही लगाया था। आज लगाए? कितने दिन लगाओगे अभी ये? 3 दिन लगाए। कभी 500 भी हो जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं, कभी 200 भी बन जाए, 500 भी बन जाए, 100 भी बन जाए। आपको कुछ नहीं होगा, आपको बस 200 रुपये। तो आपकी अकेले की है और भी है कोई आपके साथ? अकेले की है। अकेले की है। कहाँ के रहने वाले हो? बड़ावास के। गाँव से आए हो? हर साल आते लक्ष्मी गणेश बेच। लक्ष्मी गणेश बेच का कितने दिन बेचेगा? आज ही लाए थे, स्कूल से आने के बाद लाए थे। स्कूल तो बंद है आजकल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9 में पढ़ते हैं। पार्ट टाइम ये बेचेगा, कितनी कमा लेगा इससे? बेचते कि नहीं? हाँ। कितने रुपए का? 500 रुपए। पढ़ता है तू? कौन सी क्लास में? 7। बेटा कौन खुलते हैं बंदे भी? आई बंद है। तो तेरी उम्र तो नहीं है भी ये काम करने की, क्यों कर रहा है? हाँ वैसे भी कुछ माँ है, गाँव लगाता हूँ। गाँव है, बहुत मंदा काम है। अच्छा, तो आपने लगाई, सोचा था काम उठेगा कि नहीं उठेगा? आप तो कल धनतेरस है। काम उठने की उम्मीद थी लेकिन बिल्कुल काम नहीं उठा, मार्केट में बहुत महंगा। तो महंगाई का फर्क है कोई? थोड़ा बहुत ये महंगा है, सस्ता इस बार? इस बार महंगा है। महंगा है, कितना कितना डिफरेंस है? 20%। तो ये लगाइए, इसका चार्ज भी कुछ दिए दुकानदार हो गया? वैसे लगाते हो? वैसे लगाते हैं। दुकान है आपकी? यहाँ किराए तो कुछ लगता है 3 दिन में कुछ कमाओगे? कुछ जो लागत लगाई है वो मिल जाएगी? हर साल ऐसे होते हैं? इसी साल ऐसे साल है, कोरोना का फर्क है मतलब। भाई देखिए, आपने सुना और हमने तमाम लोगों की बातें आपको सुनाई, किस तरीके से दुकानदार भी पैसे ले रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर दीपावली पर इस तरीके की, यानी कि हर दुकान के बाहर स्टॉल लग रही है, अगर कोई पैसे ले रहा है दुकानदार, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी लंबी टर्नओवर होती होगी, जैसा इस युवक ने बताया। और हालांकि दुकानदार भी मानते हैं, क्योंकि लगातार ये मुद्दा एचआर न्यूज उठा रहा है कि किस तरीके से दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर रेडी और फड़ लगवाने के पैसे लेते हैं, ये लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। और इस चीज को व्यापारी वर्ग भी मानते हैं, जो प्रधान हैं ट्रेड यूनियनों के, वो भी मानते हैं कि कुछ अतिक्रमणकारी, जो यानी कि सबसे ज्यादा रोड़ा मचाते हैं अतिक्रमण का, और वो ही अपनी दुकानों के बाहर रेडी लगवा करके पैसा लेते हैं। महज 2 दिन रह गया, कल से धनतेरस भी है, फिर भी बाजार है व्यवस्थित, क्या कहेंगे? बाजार प्रशासन नाम की चीज नहीं है। प्रशासन ईओ साहब ने नगर परिषद में सभी प्रधानों की मीटिंग बुलाई थी, उसमें सभी प्रधानों ने ईओ साहब को आगाह किया था कि जो फड़ हर बार बाजार के अंदर लगते हैं, इस बार कोरोना महामारी है, सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की हुई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। अब आप देखिए, यहाँ बाजार के अंदर मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। क्या इस तरह के फड़ लगाना उचित है? आज जिस अधिकारी ने ये परमिशन दी है, कल को कोई हादसा हो जाता है या कोविड महामारी फैल जाती है, कोविड का थर्ड स्टेज चल रहा है, तो उसका जिम्मेदार वो प्रशासनिक अधिकारी होगा जिसने इसकी लगाने की परमिशन दी है। वरना अधिकारी यहाँ बाजार में आए, देखें कि बाजार के हालात क्या है, जाम भी लग रहा है, भीड़ भी लग रही है, और कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। तो हमारी प्रशासन से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन अपील है कि बाजार में आके इस कोरोना महामारी के टाइम पे खैर की संभाल करें। नहीं, ऐसे में आप ये बताइए, 4 पहियों की गाड़ी एंट्री हो रही है,
कितना जायज है वो इस वक्त त्योहार के सीजन पे? सब चीज है, प्रशासन से कहा भी है कि इस तरह ध्यान दे, लेकिन कोई इस मामले का संज्ञान नहीं ले रहा। प्रशासन देखते हैं कि आने वाले 2-3 दिन दिवाली में बचे हैं तो किस प्रकार का प्रशासन संज्ञान लेता है और क्या कार्रवाई करता है। एक हम ये देख रहे हैं, लोगों ने भी दुकानों के बाहर अथा सामान लगा रखा है, जबकि आप पता है कि भाई 3 दिन त्यौहार का सीजन है, लोग भी फड़ लगा के कमाने खाने वाले हैं, वो आए हुए हैं, तो उनका और एक अतिक्रमण दोनों। दीपावली का समय है, ठीक बात है कि गरीब लोग बाजार में ला के सामान बेच के अपना गुजारा बसर करते हैं, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि उनको कोई एक मैदान में खाली जगह अलॉट कर दी जाए जिससे सारे वहाँ अपनी फड़ लगा के अपनी बिक्री करके अपने घर का गुजारा करें, दिवाली बढ़िया ढंग से मनाएं। लेकिन प्रशासन पता नहीं क्यों है सोया हुआ है, क्यों नहीं देखता, क्यों इस तरह की बाजार में, देखो बाजार के बीचों बीच रेहड़ियाँ भी लग रही हैं, रेहड़ियों के साथ फड़ भी लग गए, व्हीकल भी आ रहे हैं, 4 पहिए की गाड़ी भी आ रही है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। हम भी इस चीज़ से बहुत परेशान हैं, हम प्रशासन को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, प्रशासन हमसे कहेगा हम प्रशासन के साथ खड़े हैं। लेकिन दुकानदार भी तो यहाँ पैसे लेते हैं ना, 5-5 हज़ार रुपये अपनी दुकानों के बाहर लगवाने के 3 दिन के ले रहे हैं। जो कुछ लोग अगर इस तरह की हमें भी बात सुनने में आती है कि कुछ लोग इस तरह से नाजायज पैसे लेते हैं, तो ये प्रशासन का काम है फड़ पे कार्रवाई ना करके उस दुकानदार पे कार्रवाई करी जाए कि जो इस तरह के पैसे लेता है या अपने आगे फड़ लगवाते हैं। हम प्रशासन के साथ खड़े हैं, प्रशासन जहाँ कहेगा 27 ट्रेड एसोसिएशन के प्रधान प्रशासन के साथ खड़े मिलेंगे, कंधे से कंधा मिलाते हैं कि किस तरीके से बाजार को अव्यवस्थित किया गया। लेकिन अब दीपावली का त्यौहार है, ऐसे में कहीं ना कहीं अतिक्रमणकारियों को समझना चाहिए कि कोई और भी है जो इस दीपावली के मौके पर 2-3 दिन के लिए दुकानें लगाता है, 10 पैसे कमाने के लिए आता है, कि शायद उनके भी दीपावली के दिन घरों में दीपक जल जाए, वो भी अपने बच्चों को 2 पुए पकवान बना करके खिला दे। मगर अतिक्रमणकारियों की भूख है कि थमने का नाम नहीं लेती है। सबसे पहले हम आपको एक विशेष सूचना दे देते हैं, हम आपको लगातार पूरे शहर भर का हालात दिखाएंगे, बाजार के अलग अलग हिस्सों से आपकी रिपोर्ट दिखाएंगे, चाहे मॉडल टाउन हो, चाहे जीवली बाजार हो, चाहे आपका मुख्य बाजार हो, किस तरह की रौनक है, क्या क्या स्थिति है। धनतेरस वाले दिन हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से जो हाई प्रोफाइल शोरूम है वो सजे हैं, उनकी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। तो लगातार 3 दिन तक आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे, हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से अलग अलग शहर की इस दीपावली पर कोरोना काल में क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।